नमस्कार अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं प्रशांशु वडेरा। आप सभी को बता दूं, ये इंडियन सुपर मॉडल से रनर अप सेकंड अभी जीत कर ही आए हैं। पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉक शो में आपका। सर, शुरुआती बात की जाए तो सफर की बात की जाती है, तो क्या शुरुआत जो हुई इस फील्ड में कब से हुई? शुरुआत तो मेरी इस फील्ड में बैक 6 ईयर्स पहले हुई थी एंड काफ़ी मुश्किल आई उसमें, बिकॉज मैं जैसा कि अब मेरे इस वीडियो के थ्रू मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे कोलीग्स और मेरे टीचर्स देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैं कैसा बच्चा था। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, मैं बोल नहीं पाता था, मैं इंट्रैक्शन नहीं कर पाता था एंड काफ़ी मतलब शाय बच्चा था, और उस चीज़ को ओवरकम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड बैक 6 ईयर्स पहले मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया एंड आज आपके सामने हूँ। प्रशांत, मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये बचपन का शौक था या ये 6 सालों में ही पड़ा? नहीं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट बचपन का शौक नहीं था ये। एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ 6 ईयर्स पहले ना मैंने अपने फादर की फोटोज देखी थी एंड जब मैंने फोटोज़ देखी तो उसमें ना उनकी कुछ ऐसी फोटोज थी जो मॉडलिंग वाली थी एंड मैंने उनसे बात की कि पापा ये क्या चीज़ है, एंड ही वाज सेइंग कि जब मैं यंगस्टर एज में था, एडल्ट एज में था एंड उस टाइम पे मैंने बॉम्बे गया था एंड मॉडलिंग शुरू की थी, बट स्टिल वो उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, नहीं उस टाइम पे नहीं हो पाता था। एंड मेरे को फिर उस टाइम आया, यार अगर मेरे पापा ऐसे हैं तो वाई नॉट मैं भी ऐसा उनको परस्यू करूँ उस चीज़ में एंड उनको मतलब प्राइड दूँ कि हाँ अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा बेटा कर रहा है। एग्जैक्टली, तो आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। इसके साथ मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ एंड एक्टिंग, मॉडलिंग, स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। बहुत बढ़िया। आपने इस सफर में गए, इस सफर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि अभी जीत के भी आए हो और यहाँ से जब गए थे जम्मू से, तब क्या सोच के गए थे? जम्मू से जब मैं गया था तो एक चीज सोची थी कि जाऊंगा तो कुछ लेके आऊंगा एंड खाली हाथ नहीं आऊंगा इस बारी, क्योंकि पहले भी मैं कुछ शो कर चुका था ड्रीम प्रोडक्शन हाउस के एंड उसमें कुछ चीज़ें मेरी कमी थी एंड उसको मैंने ओवरकम किया एंड इस बारी था कि नहीं लेके आऊंगा कुछ ना कुछ। स्पोर्ट की बात की जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट का होना बहुत जरूरी है, तो आपको आगे बढ़ने में स्पोर्ट सबसे ज़्यादा किसके लिए? आगे बढ़ने में स्पोर्ट तो आज के टाइम पे कोई करता नहीं है, बट जो मेरे फादर एंड मेरी मदर, मेरी फैमिली है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। आजकल की जैसे जनरेशन है, बच्चों को चाहिए स्पोर्ट चाहिए काफ़ी, बट फैमिलीज हैं जो सपोर्ट नहीं करती हैं एंड मेरे ऐसे फादर ने कभी नहीं बोला, उन्होंने ये बोला पढ़ाई करो बट पढ़ाई के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिनमें तुम एक्सेल कर सको, चाहे वो कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो, ड्राइंग हो, मतलब कुछ भी हो एक्सेट्रा, तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया उस चीज़ में। एग्जैक्टली, पेरेंट्स के बिना बच्चे अधूरे होते हैं और पेरेंट्स की सपोर्ट ही जो है वो बच्चों को आगे लेके जाती है, क्योंकि टांगे खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं और क्योंकि कहीं में भी जाएंगे। क्या अभी ऐसा नहीं हुआ शांशु, आप बाहर गए हो जैसे अभी आप जीत के भी आए, बट फिर भी कहीं ना कहीं रिलेटिव्स की कहना होगा कि नहीं तुम्हारा बेटा ये सही फील्ड नहीं लेके बैठा है, ऐसा है या वैसा है, क्या कैसे लगता है? ऐसा लगता है कभी किसी ने पेरेंट्स को बोला है कि नहीं शांशु की फील्ड सही नहीं है, इसको यहाँ नहीं जाने दो, तो पेरेंट्स ने उस टाइम पे कुछ डगमगा गए हैं जैसे हम बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव, उनको पता है कि जो शांशु वगैरह वो कैसा है, सो वो काफ़ी खुश होते हैं कि नहीं ये काफ़ी इंट्रोवर्ट था एक टाइम पे, बोल नहीं पाता था, आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करके अपने यूटी को एंड काफ़ी अच्छी लगती होती, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में अपकमिंग तो हर एक व्यक्ति का होता है, तो आपने भी कुछ सोचा होगा कि मैं अपकमिंग में आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इतना तो कर ही लिया, तो इसके आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, अपकमिंग डेज में ये रहेगा कि मैं जो अपने आप में कुछ जो कमजोरियाँ हैं वो मैं उसको और पॉलिश करूँ एंड फ्यूचर में है कि रियलिटी शोज करूँ एज वेल एज मैं मॉडलिंग को और आगे परस्यू करूँ। आप एक मॉडल हैं, ठीक है, क्या लगता है कि जम्मू में आर्टिस्ट फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या आसान है या मुश्किल? नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं होता है चाहे जम्मू हो या जम्मू से बाहर हो, बट कहीं ना कहीं कुछ बैकग्राउंड होते हैं कहीं स्टेट्स के, कुछ कहीं जगह के
अब ठीक है, लेटेड भी जो भी है, बट एक तरफ पे बात की जाती है ना, हब की बात की जाती है, हब जो है इस फील्ड का वो दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई माना जाता है। क्या लगता है आने वाले दिनों में जम्मू वो बनेगा? बट जैसे आप हब की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली कुछ कुछ क्या बहुत मूवीज की शूटिंग हुई है, जम्मू में हुई है, रामबन हो रही है, श्रीनगर हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू और ये डिफरेंट जगह है, ऐसा ऐसा यहाँ भी इंडस्ट्री आ रही है। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अभी तक भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, टैलेंट है बट बाहर जाना पड़ेगा, जम्मू में रहकर अपना टैलेंट को इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ ना प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है, सो प्लेटफॉर्म्स यहाँ कम है, बट अब ऐसा टाइम आ रहा है कि प्लेटफॉर्म्स यहाँ आ रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है कि बॉलीवुड मूवीज आ रही है काफी ज्यादा, जो ऐसी मूवीज हैं जिनमें जम्मू के और कश्मीर के बच्चे आए हैं, रिप्रेजेंट किए उन्होंने, तो ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं है, टाइम लगेगा, प्लेटफॉर्म जरूर आ रहे हैं आने वाले दिनों में, फिल्म इंडस्ट्री सेटअप बिल्कुल होगी, बिल्कुल आई होप सो कि जल्दी हो। तो आपको नहीं लगता कि आप भी जब आने वाले दिनों में यहाँ आएगी तो आप भी यहाँ से काम करेंगे या तब भी बाहर ही काम? नहीं, अगर होप सो यहाँ आएगी तो बिल्कुल मैं यहाँ से काम करूंगा, मैं क्यों बचूंगा यार, मैं तो यही चाहूंगा कि अपनी स्टेट का नाम आगे बढ़ाऊं। और क्या क्या करने वाले हैं फ्यूचर प्लानिंग की बात की जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर के बिना व्यक्ति कुछ नहीं, और एम जो होता है वो व्यक्ति के जरूर होते हैं। आपका क्या एम है, क्या इसी फील्ड में आगे बढ़ना है या अपनी प्रोफेशनल फील्ड को भी? नहीं, मेरा अभी गोल ये है कि पहले तो मेरी जो ग्रेजुएशन है कम्प्लीट करके, एंड उसके बाद मैं इसी चीज़ में आगे परस्यू करूंगा, मॉडलिंग में एज वेल एज एक्टिंग में। तो आपकी एज क्या थी जब आप इस फील्ड में गए थे? मेरी एज मिनिमम लगा लो, ऐसे तो मैं कुछ बता नहीं सकता, रफली है 17 और 16, 16, 15 इस एज में था कि मेरे को इंटरेस्ट शुरू हुआ था। ओके, इस छोटी सी उम्र में इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी बात है, पर आज के जनरेशन की बात की जाए तो वो पैदा होते ही बच्चे जो हैं कंप्यूटर हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में हमारे जम्मू के बच्चे या बाहर के बच्चे, सभी जगह के बच्चे जो हैं कंप्यूटर की तरह पैदा हो रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ ज़रूर आगे बढ़कर दिखाएंगे, और जो नाम है अपने माता पिता का और अपने देश का वो भी ज़रूर रोशन करेंगे। अचीवमेंट्स की बात की जाए तो बड़ी सारी अचीवमेंट्स होंगी आपकी, कुछ थोड़ी सी लिटिल बिट हमारे साथ भी शेयर करें। अचीवमेंट सबसे बड़ी मेरी यही है लाइफ की कि जो मैंने अपना एक स्टैमिंग और एक अपना बोलते ना एक ऐसा बच्चा था कि मैं बोल नहीं पाता था, वो मैंने ओवरकम किया, एंड मेरे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मैं काफ़ी लोगों के पास गया था काम मांगने के लिए भी जब स्टार्टिंग में, बट काम नहीं मिला, कुछ उन्होंने पैसे मांगे, हर चीज़ हुई, बट उसके बाद एक इंसान मिला मेरे को, अयान गुप्ता, एज अ ब्रदर है वो मेरा भी, उसने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके साथ मैंने शॉर्ट मूवी की थी, फर्स्ट शॉर्ट मूवी थी मेरी उसके साथ, एंड उसने ही मुझे ब्रेक दिया, जो मेरा एक फेयर था, डर था, उसने उसको ओवरकम किया, एंड उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू मेरा जो था लाइफ का उन्होंने कंडक्ट करवाया था। जो शॉर्ट मूवी की थी वो क्या मूवी थी वो, उसमें क्या रोल आपने वहाँ पे रोल मॉडल वो एज अ मैंने विलन रोल किया था वहाँ किसी तरह से लगते हो गई वहाँ विलन हो गई, बट ठीक है रोल का डिमांड ऐसी थी उस टाइम पे, एंड मेरा फर्स्ट टाइम था बिल्कुल, तो जो भी था बट बेस्ट था मेरा, और मेरा उसमें लाइफ चेंजिंग था टोटली। उसमें क्या एक्टिंग की थी? एक्टिंग उसमें तो मैं पर्टिकुलर करके नहीं दिखा सकता, बट एक एज अ मैंने किडनैपर था तो किडनैप किया था मैंने किसी को। तो ये कौन किस टाइम पे किया था, कितनी देर पहले की बात? ये अप्रोक्सीमेटली 4 years पहले, तो अयान गुप्ता ने मेरे को फर्स्ट प्लेटफॉर्म दिया था, एंड आज जो भी हूँ कहीं ना कहीं उनका जरूर आते हैं। बिल्कुल, मतलब इंस्पिरेशन की बात करते हैं हम, अचीवमेंट्स इनकी मैं आपको बाद में थोड़ी और मैं भी बता दूंगी, बट इंस्पिरेशन की बात करते हैं, इंस्पिरेशन भी कौन था इंस्पायर करने वाला आपको? इंस्पिरेशन तो मेरे फादर हैं, बिकॉज उनको मैंने बचपन से देखा है, उन्होंने जितनी मेहनत की है हर फील्ड में, अपने भी जॉब में हर चीज़ में, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो करो ना डंके की चोट पे करो, और कुछ भी चीज़ में अधूरी मत छोड़ो। हाँ, तो एग्जैक्टली मैंने उनको देख के बड़ा हुआ, तो जब भी वो मुझे ऐसे इंकरेज करते हैं ना लाइफ में, तो मैं एक्सेल जरूर करूँगा लाइफ में। मैं चाहूंगी कि जो आने वाला जनरेशन है हमारे देश में, और उनके अंदर टैलेंट भी बहुत है, अभी भी बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है बट वो बाहर निकल के नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो आपका एक मैसेज मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स के लिए रहे, कि जो बच्चे अभी पीछे रह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहूँगी? बच्चे पीछे ऐसा नहीं है कि खुद रह रहे हैं या फैमिली की वजह से, कहीं ना कहीं दोनों साइड ना बराबर वेट है,
कुछ फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कुछ बच्चे मतलब गलत सोसाइटी में, आजकल जैसे जम्मू कश्मीर में एक ट्रेंड चला गया हुआ है, ड्रग्स है काफी, इस चीज में इंडल्ज हो गए लोग, अल्कोहल में हो गए हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा यार इन चीजों में कुछ नहीं है, अपना टाइम वेस्ट अपनी मनी वेस्ट मत करो इसमें। तुम्हारे पास कुछ भी एक्टिविटी है, तुम रील्स अच्छी बनाते हो, तुम एक्टिंग अच्छी करते हो, तुम स्पोर्ट्स में हो, तुम किसी भी फील्ड में हो, तो उसमें एक्सेल करो यार। ऐसा नहीं है कि तुम्हें तुम बोलोगे कि रातों रात फेम मिल जाए, नहीं, हर चीज का एक टाइम होता है एंड स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ता है तो उसमें मजा आता है एंड पता लगता है कि हाँ यार इंसान ने प्रोग्रेस किया लाइफ में। तो मैं अभी और पेरेंट्स से मैं ये बोलूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो पढ़ाई में कैसे भी हो। मैं भी पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट हूँ, नीचे भी आया ऊपर भी गया, टॉपर नहीं रहा हूँ, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं टॉपर स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मेरे जो फैमिली में मेंबर्स हैं, मेरे मदर हैं फादर हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं कि बोलते हैं ठीक है पढ़ाई अपनी जगह है, बट एक एक्टिविटीज होना लाइफ में वो जरूरी है, उससे आपको पॉलिश मिलता है एंड एक लाइफ में ना मतलब स्पार्क मिलता है। सो काफी ये चीज है आजकल जम्मू में, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। हर एक चीज पढ़ाई नहीं होती, आज के समय में बड़े सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाइयों करके खज्जल हो रहे हैं। एग्जैक्टली इनकी बात सही, इन्होंने एक चीज ये बोल दी कि मैं एवरेज स्टूडेंट था पर फिर भी मुझे, हाँ पढ़ाई कुछ नहीं होता, सब एक बराबर होता है, बस थोड़ा ऊपर नीचे होने की बात होती है ना, कोई टॉपर बन जाते हैं तो कोई नीचे चल जाते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि आज मुझे शांशु से मिलकर बहुत अच्छा लगा और शांशु ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई हैं और मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला इनसे। पर आपको मैं बताऊं अचीवमेंट्स की बात इन्होंने थोड़ी ही बताई पर मैं थोड़ी अपनी से मैं भी बता दूं जिनकी अचीवमेंट्स है, ये स्पोर्ट्स में भी है, ये एक्टिंग फील्ड में भी है, ये मॉडल भी है, ये आर्टिस्ट भी है, यार इनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस इन्होंने छुपा के रखा था, बताना नहीं चाहते थे, पर आज हमने इनको टॉक शो में लाया और हमने इनके बड़े सारे टैलेंट को बाहर हम ले ही आए। बहुत अच्छा लगा शांशु आज हमारे साथ मिलके आपको और इस टॉक शो में बनने के लिए। मैं चाहूंगी कि आप ऐसी ऊंचाइयों को छूते रहो और आगे बढ़ते रहो, अपने देश का नाम भी जो है रोशन करते रहो, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते रहो। अगर आप लोगों के अंदर कोई टैलेंट है तो जरूर आगे बढ़ते रहें, पीछे ना रहें, क्योंकि टैलेंट टैलेंट होता है और करने में कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती है, आगे बढ़ के आना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। सॉरी कट करूंगा, जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस फील्ड में एक्सेल मिले शुरुआत में, मेरे को भी रिजेक्शन मिली है, आज भी रिजेक्शन मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बट अपने आप पे काम करो, टाइम दो अपने आप को, वन डे यू विल एक्सेल इन योर फील्ड, सो बी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है और मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अलीप पोस्ट के साथ, नमस्कार।